नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल मालवा की खेती में। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों कि अफीम की फसल को पाले से कैसे बचाएं। बहुत नाजुक फसल होती है, बहुत जल्दी पाला लगता है इसको, और इसमें खर्चा भी बहुत आता है, और इसे पाले से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। बर्फ जम जाती है पौधों पे और पौधों की खुराक बंद हो जाती है या उसका खून सूख जाता है, जिससे पौधा मर जाता है, उसकी चाल रुक जाती है, उसमें रस की मात्रा कम हो जाती है। इसी को पाला कहते हैं कि पाला गिरा फसल जल जाती है। परिणाम स्वरूप आप देख पा रहे हैं बर्फ़ जमी हुई है पत्तों पे, तो इस बर्फ को पिघलाने के लिए क्या करें ताकि हवा चले तब हमारी फसल चले नहीं। ये देखिए, इस खेत में मैंने रेनपोट लगाया हुआ है, जो मिनी स्प्रिंकलर भी कहते हैं, जिससे यदि पाला गिरने वाला हो, संभावना लगे एक बर्फ जम जाएगी, आज हवा ठंडी चल रही है, फसल जल जाएगी, तो इन मोनी फुहारों को आप रात में 2 से 3 बजे के लगभग, या जब भी पाला गिरता है, अधिकतर इसी समय गिरता है 3 बजे के बाद, आप उसे 10 मिनट के लिए ये रेनपोट चालू कर दें, जिससे क्या होगा कि जो पत्तों पर जो बर्फ़ जमी हुई है वो पिघल कर नीचे गिर जाएगी। देखिए, ये पास में खड़ी मक्की की फसल ये जल गई है, क्योंकि इस तक मिनी फुहारों को पानी पहुंचा नहीं है, इसलिए जल गई है और अफीम की फसल बच गई। हालांकि नुकसान तो भी ज़्यादा नहीं दिख रहा है, ये तो जब फसल का चीरा लगाएंगे तब पता चलेगा कि कितना नुकसान हुआ है। तो आप सबसे रेनपोट तो लगाते ही होंगे अफीम में, क्योंकि इससे पौधों का जमाव भी अच्छा होता है और इसकी सहायता से पाले से भी बचा जा सकता है। 10 मिनट फुहारा चलेगा तो वो बर्फ पानी से पिघल कर नीचे गिर जाएगी और फिर जमेगी, बर्फ जमेगी, फिर तो में टाइम लगेगा, इतने तो सवेरा हो ही जाएगा। और दिन में तो पाला गिरता नहीं है दोस्तों, क्योंकि बर्फ़ जमती नहीं है सूर्य की किरणों के कारण। तो बस इस वीडियो में मैंने यही बताया कि हम अपनी फसल को पाले से कैसे बचा सकते हैं, वो भी प्राकृतिक तरीके से। यदि आप मिनी फुहारे नहीं लगे हुए हैं तो आप खेत के आजू बाजू 2 से 3 बजे के पास चारों तरफ कूड़ा करकट डालकर धुआं कर दें, ताकि अफीम की फसल पर एक परत से जम जाए और हमारी फसल पाले से बच जाए, आपकी फसल सुरक्षित रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दोस्त आपसे अलविदा लेता हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि कृषि से संबंधित और अफीम से संबंधित आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।